प्रतिष्ठा वैश्य क्लास नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग सॉलिड स्टेट चैप्टर्स। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के शॉर्ट्स इंक्लूड किए थे क्लास में, सो दैट मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपको क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कितनी ज्यादा ध्यान से और कितनी ज्यादा एक्यूरेसी से एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि नीट का एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले, तो आपने उसको स्टडी भी किया होगा एंड केमिस्ट्री क्वेश्चंस वर सो इजी डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। नीट के स्टूडेंट्स के लिए एंड आईटी मेंस के स्टूडेंट्स को मैं बोल चुकी हूँ पहले भी, आपका 70-90% भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आपको ज्यादा अलग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा आपको एनसीईआरटी फोकस करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं और अलग अलग यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, वो सारी कैलकुलेशंस एंड उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज कराऊंगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वी आर हैविंग प्रतिष्ठा बैच क्लास नंबर 04, आज फोर्थ क्लास है आपकी। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड्स एंड इसकी भी फोर्थ क्लास है आज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, किसी एटम में, किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी एटम की पोजीशन को देखकर हमें ये समझना है कि वो कितनी जगह से शेयर हो रहा है और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एटम में, ठीक है। तो एक एटम में कितने एटम, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम टोटली आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट से स्टार्ट करूंगी। अगर कॉर्नर पे कोई एटम है, कॉर्नर एटम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा टू यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल है और उसके अंदर जो कॉर्नर है वहां पे, कॉर्नर पे एटम जो है वो प्रेजेंट है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे होंगे कि उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से कि कहाँ पे जो एटम, अगर आप इसको ढंग से देखना चाहें, किसी रूम में जहां आप बैठे हो वहां देखो, आप जिस रूम में, अगर वो स्क्वायर है उसको स्क्वायर इमेजिन करो, एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे एक एटम जो कॉर्नर में फंसा दीजिए उसको, ऐसा सपोज करो कि जैसे यहां पे इस वाले कॉर्नर पे एक एटम है और वो एटम सारा का सारा इसके अंदर नहीं है, ये एक यूनिट सेल अगर है, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो सारा का सारा एटम अंदर नहीं है बल्कि वो इक्वली बाहर भी है। मतलब अगर एक एटम है जो यहां था वो अंदर भी है, वो थोड़ा सा बाहर भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा यहां भी होगा, यहां भी होगा, और अगर मैं इसके ऊपर एक बॉक्स और रख देती हूँ, सेम ऐसा एक और क्यूब रख देती हूँ, तो उसके अंदर भी उसका शेयर जाएगा, इसके साइड वाले यूनिट सेल के अंदर भी उसका शेयर जाएगा, इसके बैक साइड में अगर मैं रखूंगी ऐसे ही रूबिक क्यूब तो उसके अंदर भी उसका शेयर जाएगा। तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर जिस रूम में आप हो, आपने एक बास्केटबॉल लिया और एक कॉर्नर में फंसा दिया उसको, तो उसका कुछ पोर्शन हमें इस रूम में दिखाई दे रहा है, बट मेरे से पीछे जो रूम है उसके अंदर भी उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा होगा, इस रूम के साइड में जो रूम है उसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उस साइड वाले रूम के भी बैक साइड में जो रूम होगा उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इस फ्लोर को छोड़ दीजिए, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे जो 4 और इसी तरह से बने होंगे उसके अंदर भी उस बास्केटबॉल का एक एक शेयर आ रहा होगा। तो अगर आप ढंग से इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक कॉर्नर पे एटम है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 यूनिट सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो कॉर्नर पे एटम होता है, ठीक है, जो एटम किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सपोज अगर मैं कहूं यहां पे प्रेजेंट है, तो बच्चों वो कहां कहां डिवाइड हो रहा है, वो 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अपना पोर्शन एंड वो डिवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन एटम गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू 8 यूनिट सेल्स
आठ अलग अलग यूनिट सेल्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, इन वन यूनिट सेल कॉर्नर एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितना शेयर है उसका बताइए। अगर एक जो स्फीयर है, एक एटम है, जब वो आठ अलग अलग यूनिट सेल में, एट अलग अलग यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में तो कितना पोर्शन है, एक इन वन यूनिट सेल कॉर्नर एटम शेयर कितना शेयर है उसका, 1/8 ऑफ द एटम, इतना शेयर है उसका, 1/8 है। मतलब अगर मैं जो समझा रही थी आपको उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एटम सेट कर रही हूं, तो इस क्यूब के अंदर, सिर्फ एक क्यूब के अंदर उसका 1/8 पार्ट ही है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो 1/8 हमने लिख दिया। हम सेकंड पे चलते हैं, कॉर्नर एटम की बात हो गई है, नेक्स्ट बात करते हैं फेस एटम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल। अगर किसी फेस पर, किसी यूनिट सेल के फेस पर, ये जो इसकी वॉल है, इस पर अगर मैं कहूं कि यहां पे एक सेंटर में क्या है बच्चों, यहां पे एक मैं लगा देती हूं एटम, यहां पे है, तो वो कितनों में शेयर हो रहा है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो मैं फेस एटम की बात कर रही हूं। फेस एटम कहां होता है, किसी भी वॉल पे फिक्स होगा। तो ये आपके पास में एक मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेकर के आ रखी हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। अगर यहाँ पे कोई एटम है इसकी वॉल पर, है ना, इस यूनिट सेल की वॉल पर यहाँ पे कोई एटम है बच्चों, तो ये एटम जिस बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ उसके अंदर तो है ही, हाफ तो उसके अंदर है, बट उसका हाफ पोर्शन दूसरे सामने वाले, अगर यहाँ पे मैं इसको रख दूं तो उसके अंदर भी इसका एक पोर्शन आ जाएगा। इसका मतलब जो एटम वॉल पर होता है वो दो एडजेसेंट एटम्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। मतलब अगर एटम यहां है तो इसके अंदर भी उसका हाफ पोर्शन है, और इसके बाहर भी अगर जैसे होता इस तरह से तो उसके अंदर भी उसका हाफ पोर्शन होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, लिख लेते हैं इसी चीज को, एटम गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन, एटम गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडजेसेंट यूनिट सेल्स, एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं अगर दो तो उनके अंदर जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, इन वन यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इन वन यूनिट सेल फेस एटम शेयर कितना शेयर कर रहा है, एक यूनिट सेल के अंदर कितना शेयर है उसका, 1/2, जब वो दो में ही डिवाइड हो रहा है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, आधा इसके अंदर आधा उसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर इसका हाफ शेयर होगा, ठीक है। कम टू थर्ड केस, नाउ आई एम कमिंग ऑन बॉडी सेंटर्ड एटम की बात कर लेते हैं। अगर कोई एटम जो है बॉडी सेंटर्ड एटम है, बॉडी के सेंटर पे है, यूनिट सेल के सेंटर पे है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल कितना है उसका, ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं, एक यूनिट सेल है ये, ठीक है, इसके अंदर सेंटर पे यहां पे है एक एटम, इसके सेंटर में एक एटम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके सेंटर में है, तो क्या वो किसी और से शेयर होगा। अगर जिस रूम में मैं हूं उसके बीच में एक बहुत बड़ी बॉल, बास्केटबॉल बीच में रख दी जाती है, तो क्या किसी और रूम में जाके शेयर होगी, किसी और नेबरिंग यूनिट सेल में जाके शेयर होगी, नहीं होगी। मतलब जिसके अंदर, जिस यूनिट सेल के सेंटर में वो है, सिर्फ उसी के अंदर उसका फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो बॉडी सेंटर्ड एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी के सेंटर में है, यूनिट सेल के सेंटर में है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और से कोई शेयरिंग नहीं है इस एटम की, एटम नॉट शेयर्ड इन एनी अदर यूनिट सेल, किसी और यूनिट सेल के साथ वो शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि एक यूनिट सेल में कितना शेयर है इसका, इन वन यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड
एटम शेयर, कितना शेयर कर रहे हैं बच्चों? इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर्ड एटम है, उसका पूरा पूरा शेयर उसी के अंदर है, तो उसका पूरा शेयर जो है वन एटम माना जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर वो काउंट होगा। ठीक है, कम टू द फोर्थ वन। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? कॉर्नर्स की बात कर ली, फेसेस की बात कर ली, बॉडी सेंटर्ड की बात कर ली, एजेस की बात कर लेते हैं। एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड एटम अगर है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? तो अगर बच्चों यूनिट सेल है कोई, उसके एज पर, एज मतलब उसकी किसी बाउंड्री पर, वॉल पर, यहां पे कोई एटम है, ठीक है ना, तो वो कितना में डिवाइड होगा? वो एक और यहां पे आ जाएगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर, इसी तरह से इधर और एक इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एटम रख रही हूं इस एज के ऊपर यहां पे, तो वो कितना में डिवाइड होने वाला है? सोचो, एक तो यही वाला खुद का यूनिट सेल, एक इसके साइड वाला, एक ऊपर और एक यहां। तो जो एज पर होता है वो चार एटम्स में, चार यूनिट सेल को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो बच्चों जो एज सेंटर्ड की मैं बात कर रही हूं, एज सेंटर्ड, दिस एटम इज शेयर्ड, एटम शेयर्ड इन फोर यूनिट सेल्स, चार अलग अलग यूनिट सेल्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो इन वन यूनिट सेल इसका शेयर कितना है? इन वन यूनिट सेल एज सेंटर्ड एटम शेयर वन बाय फोर्थ ऑफ एटम, एक एटम का उसका वन फोर्थ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, एक चौथाई हिस्सा जो है एक यूनिट सेल के अंदर आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या पता लग रहा है यहां पे? जो कॉर्नर में होगा, जो कॉर्नर में होगा वो वन बाय एट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, जो फेस सेंटर्ड पे होगा वो हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, जो सेंटर में होगा वन पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, एंड जो एज पर होगा वो वन बाय फोर्थ जो है उतना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कशन करते हैं। आगे हम निकालते हैं कि टोटल सिंपल प्रिमिटिव में या बॉडी सेंटर्ड में या हम कहें कि फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन द हेडिंग नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन आइटम, नेक्स्ट हेडिंग नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स, डिफरेंट यूनिट सेल्स, जितने हमने यूनिट सेल्स की बात की है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या एग्जांपल से समझाया था मैंने इसको? पुराने वाले फोन होते थे ना, पुराने फोन आते थे टिक टिक बटन वाले, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं उसमें क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स होते हैं, है ना। टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल एटम्स एट है, और हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट, हर एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? वन बाय एट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? एट इंटू वन बाय एट इज इक्वल टू वन एटम। तो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितना एटम है टोटल बच्चों? कितने एटम है? वन एटम है। ठीक है, तो दिस इज द केस। कम टू द नेक्स्ट वन, नंबर टू। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिमिटिव से आगे, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों इसके अंदर बात हो रही है कि जो कॉर्नर्स में एटम्स हैं वो तो स्टिल दे आर प्रेजेंट, कॉर्नर्स वाले अभी भी हैं, वो तो है ही। उसके अलावा फेसेस पर,
फेसेस पर अलग एटम्स हैं। देखो इस फेस पर एक एटम है, इस फेस पर भी एक है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। इसके अलावा सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस उन पर भी है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? सिक्स है ना। तो कॉर्नर पे कितने हैं? कॉर्नर एटम्स कितने हैं? आठ। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8। तो ये कितना हो गया? 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ये तो इतना हो गया। दूसरा केस क्या है? फेसेस की बात करते हैं। फेस एटम्स कितने हैं? फेस एटम है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेसेस है ना। अब खुद देखो इसके कितने फेसेस हैं? ये ठीक है, ये वाला और ये वाला, 4, 5 एंड 6, 6 फेसेस हो गए। फेस एटम्स कितने हैं? 6। फेस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक एटम के, एक यूनिट सेल के अंदर? हाफ होता है ना। ये वाला जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी और दूसरे वाले में जा रहा है। साइड वाला जो यूनिट सेल होगा उसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाफ। ठीक है, तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3 एटम्स। तो टोटल कितना हुआ? ये 1 एटम और ये 3 एटम्स, इनको टोटल कर लेते हैं। 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 एटम्स हो गए ये। तो ये आ गया हमारा एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? एफसीसी के अंदर 4 एटम्स होते हैं। क्लियर है? कम टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, बीसीसी पे। थर्ड वन इज बीसीसी, द बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, उसके अलावा एक बॉडी सेंटर्ड में भी रहेगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे तो हो गए, ये 8 कॉर्नर्स पे बना दिए हमने। इसके अलावा एक सेंटर में भी प्रेजेंट है, एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है। ठीक है, वो किसी से डिवाइड, किसी से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो कॉर्नर एटम्स कितने? 8। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बच्चों? 1/8। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू बॉडी सेंटर्ड। कितने एटम है बॉडी के सेंटर में? 1। कॉन्ट्रीब्यूशन किससे कर रहे हैं? वो किसी से भी नहीं, पूरा होल कॉन्ट्रीब्यूशन उसका वही है, उसी यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, तो दिस 1 एंड 1 इनको ऐड कर दो, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो बीसीसी के अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं बच्चों? 2 एटम्स होते हैं। तो ये हमने क्या स्टडी किया अब तक? हमने ये पढ़ा कि एटम कहाँ प्रेजेंट होता है और कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, इन्हीं कैलकुलेशंस पे काफी सारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक्स में होंगे, क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, अदरवाइज मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रही हूँ आपको। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसका, इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पर है। ठीक है, ए एटम्स कहाँ हैं बच्चों? कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे हैं। बी एटम्स आर एट फेस सेंटर्स। ठीक है, तो ए कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। बी कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स पे। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालिए, ये कहा जा रहा है आपको। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है ये, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, ये देख लीजिए आंसर ए है, ए की कैलकुलेशन करेंगे देन बी की करेंगे। ए कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स ऑफ द पेज, ठीक है, मतलब आठ कॉर्नर्स हो गए और 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब ए जो है वो 1 है, टोटल एटम ए 1 ही है। बी की बात कर लेते हैं, बी कहां पे है, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉर्नर्स पर है ना, और बी कहां है बच्चों, फेस पे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सभी फेस सेंटर्स पे, टोटल फेसेस कितने हैं 6, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस पे एलिमेंट एटम का, 2 में डिवाइड होता है तो हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हाफ कितना आ जाएगा आंसर 3। तो फॉर्मूला क्या बना, ए बी 3 आंसर, चेक कर लेते हैं इसको, यस इट इज राइट, ए बी 3 इज द आंसर, ठीक है ना। इस तरह से एक और क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे काफी ज्यादा, जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। तो मैं काफी क्वेश्चन करा देती हूँ जितने करा सकती हूँ, एंड उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप उसमें से कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जितना मैं डेली आपको पढ़ा रही हूँ उसी चीज को आपको डिफरेंट बुक से एनसीईआरटी से भी रीड करना है साथ ही साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स एंड वाई टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई टू टाइप्स ऑफ एटम्स। नाउ बताया क्या जा रहा है आपको, एटम्स वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, वाई प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ मेन बात लिख देती हूँ, एंड एक्स एट द बॉडी सेंटर, एक्स कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो y कॉर्नर्स पे है और x बॉडी सेंटर्स पे है। वट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है, वट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा है, वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको भी, ठीक है। चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो बच्चों पहली बात, यहां पे एक्स और वाई दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स सीरा वाई ऐसे लिख देते हैं। एक्स कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, है ना, क्या है ये बॉडी सेंटर पे है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, कितना शेयर देता है जो सेंटर में होता है, कंप्लीट 1 शेयर देता है, क्योंकि वो किसी और से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, कहीं और डिवाइड तो हो नहीं रहा है किसी और यूनिट सेल से, कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1। नाउ कमिंग टू वाई, वाई कहां पे, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों, कॉर्नर्स कितने होते हैं, टोटल कॉर्नर्स आर 8 एंड 1/8 लिख देते हैं हम लोग, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 8 बार तो कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पे एक्स वाई 1/1 है क्योंकि दोनों ही इक्वल है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले ये समझो कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बच्चों हर एटम कितने अलग अलग एटम से घिरा हुआ है अपने आसपास, उसके आसपास और कितने एटम्स हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद आप सोचिए, अगर कहीं पे किसी कॉर्नर पे एक एटम है, ठीक है, लाइक यहां पे एक एटम है, तो उसको और कितने एटम्स टच कर रहे हैं, जो यहां पे जो एटम होगा बच्चों उसको ये भी टच करेगा, है ना, उसको ये भी टच करेगा, इसको ये भी टच करेगा, इसी तरह से ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
तो हर डायरेक्शन में कहां कहां से उसको एटम्स टच कर रहे हैं, कितने उसके नेबरिंग एटम्स हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की? द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम, अ पर्टिकुलर एटम, द नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक एटम के सराउंडिंग में टोटल कितने एटम्स उसको सराउंड कर रहे हैं उसके लिए वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हमें कैलकुलेट करना था एक्स और वाई के लिए अलग अलग के लिए कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा एक्स का और वाई का। ठीक है बच्चों, इमेजिन करो जिस रूम में मैं खड़ी हूं वो एक स्क्वायर रूम है। ठीक है, हर कॉर्नर पर एटम्स फिक्स हैं, चार ऊपर, दो मेरे सामने वाली साइड, दो बैक साइड में छत है, वहां पे बास्केटबॉल फिट कर दी है। तो आप समझ लो, ऐसे इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो, दो सामने जमीन पर, दो बैक साइड में जमीन पर। ठीक है, कितने हो गए? आठ हो गए कॉर्नर्स, आठ बॉल हो गई। सेंटर में एक एटम है, जहां पे मैंने कैमरा रखा है, मेरे फोन रखा है, वहां पे सेंटर में एक और एटम है। इन एटम को आप छोटा मत समझो, थोड़ा बड़ा समझो, ये बास्केटबॉल साइज मैंने इमेजिन करने बताया है, थोड़ा बड़ा समझो। अब जो सेंटर में एटम होगा उसको इधर वाला एटम भी टच कर रहा है, इधर वाला एटम भी टच कर रहा है, यहां भी टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है, उधर भी टच हो रहा है चारों से। तो जो सेंटर में एटम है बॉडी के सेंटर पे, वो कितने एटम से टच हो रहा है? जितने इस रूम में टोटल बॉल्स हैं, जितने इस रूम में टोटल एटम्स हैं कॉर्नर्स पे, मतलब एट से। मतलब कि जो बीच में बॉडी सेंटर्ड का एक एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आठ। क्यों? क्योंकि आठों जगह पे एटम्स हैं तो उसके पड़ोसी तो वही हो गए, नेबरिंग एटम्स तो उसके वही होंगे ना। तो लिख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड में कौन है, एक्स है। एक्स के लिए लिखते हैं बच्चों, कैसे बनाऊ मैं इसको, अगर ड्रॉ करके दिखाना चाहूं आपको। ठीक है, इस तरह से ये आठ हो गए और सेंटर में यहां पे एक बड़ा सा एटम है। तो इसके वैसे थोड़ा टच होते हैं सारे आपस में, काफी बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो है इसके, इस एटम के, एक्स वाले एटम के, ये एक्स है, इसके नेबरिंग क्या है वाई, कितने हैं गिन लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू एट, सी एन भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स का कितना है? एट है, एट वाई एटम से इट इज सराउंडेड। अब बात कर लेते हैं वाई एटम की, इस वाले एटम की। ठीक है बच्चों, तो ये एटम कितनों से क्राउडेड होगा आप खुद बना के देखो नोटबुक में और सोचो, फिर मैं बना के दिखाती हूँ, क्रॉस चेक करना, बना के देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन मार्क में या आ सकते हैं, मतलब फाइव मार्क्स में सिर्फ एक पार्ट बने तो भी आ सकते हैं, या वन मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन अगर सिंपल है तो। अगर कुछ और चीज एडिशनल पूछ ली तो एक मार्क्स एक्स्ट्रा लगा के चलो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का कैलकुलेट कर लिया, वाई की बात करते हैं। ठीक, तो मैं बात कर रही हूं इस एटम की, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉर्नर पे एटम था ये किसका नेबर है? ये नेबर है इस वाले एटम का, इस वाले एटम का, थोड़ा बड़ा होगा तो टच कर लेगा ना इसको, इसका और इसका। ठीक है, ये तो हो गए उस वाली साइड। ठीक,
इसी तरह से बोर्ड बोर्ड के अंदर का तो मैंने शो कर दिया, बोर्ड के बाहर का शो कैसे करूं मैं आउट ऑफ द पेपर। तो टोटल इसके भी कितने हैं, 8 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके लिए भी। अगर ये उस तरफ है तो इस तरफ भी होगा। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका भी 8 होगा। और मैं स्क्रीन पर अगर मुझे मिलेगा इमेज तो मैं स्टिक कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8। इसी तरह से वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 8 है। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड टू एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल। अब यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड करो, इसने क्या क्या चीज पूछी है। इसने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर, एक एक एटम हर कॉर्नर पर है एंड दो एटम हर बॉडी डायगनल पर है। अब बॉडी डायगनल क्या होता है बच्चों, बॉडी डायगनल का मतलब होता है कि यूनिट सेल के अंदर डायगनल्स कितने हैं। अब मैं उसको थोड़ा बना के दिखाऊंगी आपको समझाने के लिए, इसी बॉक्स में दिखाती हूँ। ये जो बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, बॉडी डायगनल जो क्या होगा, आपने स्क्वायर का डायगनल देखा होगा, स्क्वायर का या फिर क्यूब का, ठीक है, इस तरह से डायगनल होता है। तो जब मैं बात करती हूँ किसी रूम की डायगनल की, तो डायगनल कैसे होता है, देखो यहां से स्टार्ट होगा, इस टॉप कॉर्नर से इस बॉटम कॉर्नर तक एक डायगनल माना जाएगा, ठीक है, इस टॉप कॉर्नर से इस बॉटम कॉर्नर तक एक डायगनल। मतलब अगर मैं रूम की बात करती हूं तो इस रूम में जहां मैं खड़ी हूं, मेरे इस तरफ टॉप कॉर्नर में, ठीक है, और सामने वाली वॉल के इस तरफ नीचे बॉटम में कॉर्नर पे, मतलब यहां से शुरू होकर ऊपर से उस नीचे तक एक डायगनल, एक बॉडी डायगनल, नीचे यहां से शुरू होकर के कहां तक, उस टॉप के डायगनल तक, तो कितने हो गए इस दीवार में, मतलब इस वाले कॉर्नर पे और सामने उधर वाले कॉर्नर पर कितने डायगनल हुए, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर, दो डायगनल हो गए। ठीक है, हम इधर बात करते हैं, ठीक, यहां नीचे से यहां ऊपर तक और यहां नीचे से यहां ऊपर तक कितने हो गए बॉडी डायगनल, 4 हो गए टोटल। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें थोड़ा सा। 4 ही बॉडी डायगनल होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं टोटल एटम्स, कॉर्नर की बात करते हैं सबसे पहले। कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। तो यहां पे कॉर्नर की वजह से जो एटम प्रेजेंट है वो तो एक एटम कैलकुलेट हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी डायगनल्स, तो कैसे बनाऊंगी देखते हैं। इस यहां से चलते चलते यहां तक नीचे तक, ठीक है, इस नीचे से चलते चलते इस ऊपर तक, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, क्रॉस में आमने सामने, एक इससे यहां से चल करके एक इस नीचे तक, ठीक है, और एक इस ऊपर से चलते हुए इस नीचे तक। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें थोड़ा सा। तो कितने बॉडी डायगनल हो गए टोटल, 4 हो गए। और ये बोल रहा है कि 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगनल, हर बॉडी डायगनल पर 2 एटम हैं। मतलब अगर मैंने यहां से यहां तक बनाया है ना, तो उसके 2 एटम्स हैं, ठीक है। टोटल डायगनल कितने, 4, हर पे एटम कितने, 2 एटम, कितने हो गए, 8 एटम। तो टोटल कितने एटम्स हुए बच्चों,
9 एटम्स हो गए इस यूनिट सेल के अंदर टोटल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसका मैं आंसर चेक कर लेती हूँ एक बार। यस इट इज 9। ठीक है, 9 है इसका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझ लो एक बार। फिर भी आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो बच्चों, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेती हूँ। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट वन फॉर टुडे, यहां पे मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि राइट डाउन एन आयन कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स ए एंड बी। एन आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ए बी हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच एटम्स ए आर एट कॉर्नर्स। फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट एट विच ए आर एट कॉर्नर्स, तो ए के कॉर्नर्स पे हो गए। ठीक है, एंड बी जो है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों, बी आर एट फेस सेंटर्स, बी आर एट फेस सेंटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो तरीके के एटम्स हो गए, दोनों की लोकेशन बता दी है। अब ये बोल रहे हैं इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, अगर एक एटम कॉर्नर से मिस हो जाता है, इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, नाउ कैलकुलेट, क्या निकालना है अभी हम, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का। नाउ कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला हमें यहां पे निकालना है कि कितने होंगे। ठीक है बच्चों, ओके तो लेट्स डू द आंसर। यहां पे हमारे पास ए है बी है, ए कहां पे है, ए आर एट द कॉर्नर्स, बी आर एट द फेस सेंटर्स। ए है कॉर्नर्स पे, ये है फेस सेंटर्स पे। ठीक है, इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम मिस कर दो, मतलब टोटल होते हैं 8, एक मिस कर दिया तो कितने बच गए, 7 कॉर्नर्स। ठीक है, तो 7 × 1/8 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले एलिमेंट्स एटम्स का, तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक है ना, एंड बी कहां गया, बी आर एट द फेस सेंटर्स, तो फेस सेंटर कितने, टोटल फेसेस कितने बच्चों, 6 फेसेस, और फेस सेंटर पे होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 7/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका हो जाएगा 3। तो यहां तक तो ये सही है बिल्कुल। अब रेशियो ऑफ ए और बी कर लेते हैं, 7/8:3 रेशियो ऑफ ए एंड बी, 7/8:3 ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7:20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7:24। ओके, तो ए 7 एंड बी 24 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए 7 बी 24। दिस इज द कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फॉर्मूला जो आया है उस कंपाउंड का ये माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इस टॉपिक पे आप लोग और क्वेश्चंस करिए, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो आपकी बुक में मिल जाएंगे, रेफरेंस बुक में, उसमें ऐसे आप देख करके कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे किसकी, कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, वो सारी चीजें, एंड उसकी न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, लाइक जरूर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.